मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी इबादत बंदगी, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू। क्या होता है तालमेल शब्द का अर्थ? लोग कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा बातचीत में, कहते हैं ना कि यार मेरा और उसका तालमेल नहीं मिलता है। तो क्या ये तालमेल का अर्थ संगीत से रिलेटेड है या नेचुरली उसे हम नॉर्मल इंसान के रिश्ते की बात से जोड़कर कहते हैं? तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि तालमेल शब्द जो हैं ये दोनों संगीत से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे इसका आम जन जो यूज़ करते हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। पूरा वीडियो देखिए और जानिए। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। छिड़िए रात बात फूलों के, छिड़िए रात बात फूलों के। तालमेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ताल शब्द का अर्थ तौल शब्द से आता है। संगीत में कोई भी चीज़ नापने के लिए, तौलने के लिए हम ताल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि और संगत में जो हमारे साथ ताल वाद्य जितने भी हैं, जो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, परक्यूशंस हैं, उसमें ताल का इस्तेमाल होता है, ताल बजती है। तो जैसा कि अगर आप संगीत सीख रहे हैं और जानते हैं संगीत के बारे में, तो आपको इतना मालूम होगा कि जैसे कि मैंने बताया तौल शब्द, तौलना यानी कोई भी चीज़ तौलना होता है। जैसे कि एक आपने तराजू लिया, उसके एक साइड आपने 5 किलो का पत्थर रखा और दूसरी साइड 5 किलो का सामान रखा, तो आप तौल रहे हैं उसी को। उसी तरह संगीत में ताल जो है वो तौलने का काम करती है। यानी आपने कोई भी जो गीत गाया, आपने कोई ख्याल, आपने कोई बंदिश गाई, वो कितनी मात्राओं में निबद्ध थी, मात्रा यानी इकाई, यूनिट, यानी कितने बीट्स में निबद्ध थी, और वो जो रेगुलर ताल है वो रेगुलर बजती है ना। वो ऐसा जैसे घड़ी चलती है, उसमें 60 सेकेंड्स हैं, 60 सेकेंड है, 1 से 60 तक 1 मिनट होता है और दोबारा 1 पे आ जाता है कांटा और फिर से 1 से 60 होता है। उसी तरह ताल जो है तबले में चलती है, ढोलक में चलती है, पखावज में चलती है, मृदंग में चलती है। ये कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें ताल का इस्तेमाल होता है और इसमें एक फिक्स्ड रिदमिक साइकिल चलेगी। अगर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 से 8 तक चलता ही रहता है, है ना। एक पहिए की तरह चलता रहता है, घड़ी के कांटे की तरह चलता रहता है और एक लय में चलता है। लय यानी एक गति में चलता है और उसी गति में वो पूरी ताल चलती रहेगी और वो हमें नापेगी कि हमने जो भी गाया बजाया वो उतनी ही मात्राओं में आया या नहीं आया, या उससे ज़्यादा तो नहीं हो गया, उससे कम तो नहीं हो गया। तो ये काम होता है ताल का। मेल शब्द, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थाट जो होता है, हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत थाट हैं, बिलावल, भैरवी, कल्याण, है ना, जो खमाज, भैरव, आसावरी, ये जो थाट हैं, इनका एक और दूसरा नाम जैसे कि ठाठ भी होता है और उसी तरह से इनका एक और नाम मेल भी होता है। तो जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना ताल मेल का मिलना, वो संगीत से ही रिलेटेड है। संगीत में ताल और मेल ही तो मिलते हैं, स्वर और ताल मिलते हैं। हम कुछ गा रहे हैं वो किसी एक थाट में, वो किसी एक मेल में है, है ना, वो निश्चित स्वरों में निबद्ध है और वो एक किसी थाट में चल रहा है, किसी एक मेल में चल रहा है। क्योंकि हम राग में गा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये कहावत तब की है जब हम राग गायकी जो है वो ज़्यादा प्रबल थी, प्रचलित थी, है ना, बनिस्बत के गीत गायकी के। तो इसीलिए ये तब के शब्द हैं मेल, है ना, और मेल हम थाट को कहते हैं। तो जब थाट और ताल का मिलन होता है तभी जाके तो प्रॉपर संगीत होता है। गाना बजाना का जो एक सामंजस्य में चलना चाहिए, एक ऐसा चले कि समान चल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं, भिन्न नहीं होना चाहिए। आप जब ताल में गा रहे हैं तबले पे रूपक बजती है, ऐसा नहीं होता है। ताल मेल जो है मिला हुआ रहता है। तो इसका एक मेटाफरिकली मीनिंग है, एक उपमा दे दी जाती है जब हम आपसी संबंध के लिए बोलते हैं कि ताल मेल नहीं मिल रहा है, है ना। यानी हमारा कहीं ना कहीं हमारा नेचर नहीं मिल रहा है। मैं जो कहता हूँ उसको नहीं समझ आता, वो जो कहता है वो मुझे नहीं समझ आता, है ना, और कहीं ना कहीं हमारे नेचर मैच नहीं करते, हमारी सोच मैच नहीं करती है। तो यही संगीत में भी होता है, ताल मेल का न मिलना, यानी
बड़ा ही बेढंगा सा गाना बजाना हो रहा है कि वो बजा कुछ और रहा है और वो गा कुछ और रहा है सामने वाला। तो एक छोटा सा एक टॉपिक मेरे जहन में आया, मैंने कहा तालमेल ये जो शब्द है, क्योंकि हम क्या करते हैं आपसी जो हमारी नेचर है संगीत में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते। तो मैंने सोचा एक छोटा सा एग्जांपल तालमेल को लेकर हम समझें कि कैसे संगीत हमारे रेगुलर लाइफ से जुड़ा हुआ है और रेगुलर भाषा में ऐसे मेटाफर्स जो हैं, ऐसी उपमाएं जो हैं हम अक्सर दे दिया करते हैं। ठीक है, तो देखते रहें संगीत प्रवाह वर्ल्ड का चैनल, ऐसे ही कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ नई नई बातें, है ना। सब्सक्राइब करें ज़रूर हमारे चैनल को।